मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो बच्चे, वी वर डूइंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आपा बच्चे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट कर लिए सी एंड तुसी उसका टेस्ट भी देता कल. आपा इन द लास्ट लेक्चर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स नु पूरा करन तो बाद स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट की थी सी. ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री मैं सब दसता सी बेसिकली कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टोइकियोमेट्री. अज मैं सबू कुछ क्वेश्चन स्टोइकोमीट्री से सॉल्व करवाऊंगा, फॉलोड बाय कि तुम कुछ क्वेश्चन खुद करने होंगे. उस दे नाल अपना जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, एंड दैन वी लैफ्ट विद ओनली वन मोर टॉपिक जोड़ा कि कल डिस्कस हो जाएगा बच्चे. ठीक है, सो टुमोरो वी शैल फिनिश ऑफ एनअर चैप्टर ऑफ आर सिलेबस. ठीक है, सो हूँ आप पहला स्टोइकोमीट्री स्टार्ट कर रहे हैं. सॉरी, स्टोइकोमीट्री का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. तुसी अपनियां बुक्स खोलनी है बच्चे ऑन पेज नंबर 1.67 जिथे है प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन केमिकल इक्वेशंस. उहदे विचों एग्जाम्पल नंबर 100 मैं सानू सॉल्व करवा रहे हैं. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 100. द क्वेश्चन सेज व्हाट मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 12.35 ग्राम्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट. सो देखो बच्चे, वो आपां नूं कह रहे ने कि मैं कॉपर कार्बोनेट नूं 12.35 ग्राम्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट नूं हीट कर रहे हैं. तो दसो मेरे को कॉपर ऑक्साइड का कितना मास बनेगा. तो पहला तो आपां नूं इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए है. सो दिस विल ब्रेक डाउन टू गिव कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2. तो आपां नूं पुछिया गया बच्चे कि अगर मैं इसका 12.35 ग्राम्स लिया तो दसो कॉपर ऑक्साइड का कितना मास मेरे को बनेगा. ठीक है, नाउ पहला आपां अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन लिखांगे. सो सेम बच्चे देखो, कॉपर का मास 63.5, दिस इज 48 प्लस 12 60 प्लस 63.5 बिकम्स 123.5 ग्राम्स. एंड कॉपर ऑक्साइड का मास कितना बन रहा है बच्चे, 63.5 प्लस 16, सो दिस बिकम्स 79.5 ग्राम्स. जो बाकी है वो CO2 है. अगर CO2 कितना होता है 44, सो 44 को इसके ऐड करोगे तो नहीं बन जाएगा. ठीक है, चलो खैर मैंने इतना CO2 तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरे क्वेश्चन या आंसर क्वेश्चन उन्होंने CO2 बारे कोई जिक्र नहीं किया. सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन अगर मेरे पास कॉपर कार्बोनेट 123.5 ग्राम्स हो गए तो मेरे को 79.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड बन रहे हैं. ठीक है, सो आई से 123.5 ग्राम्स कॉपर कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 79.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड. ते उन्होंने आपां नूं किया 12.35, सो मैं 12.35 ग्राम्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट तो कितना कॉपर ऑक्साइड मिलेगा मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं. 79.5 डिवाइडेड बाय 123.5 इनटू 12.35, सो द आंसर बिकम्स 7.95 ग्राम्स. डन बच्चे, सो बिल्कुल इजी क्वेश्चन. सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय स्टोइकोमेट्री. आपां नूं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है और उसके हिसाब नाल अपना आंसर आपां ने कैलकुलेट करना है. सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इसके इन्ने ग्राम तो इन्ने ग्राम बन रहे सी, 12.35 ग्राम्स जो मैं कैलकुलेट कर ले बच्चे. डन, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो नाउ वी शैल डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 102 एंड example is how many moles of methane are required to produce 22 grams of CO2 on combustion. So dekho bache, the question says ki main methane nu combust kar rahe hain, means burn kar rahe hain in the presence of oxygen. तो ऑफकोर्स आपां नूं पता है इन्ना तुसी जूनियर क्लासेस च भी पढ़ के आए हो कि मिथेन दी कंबस्टन नाल आई गेट CO2 प्लस वाटर. फाइन, ठीक है, सो मैं इसको बैलेंस करांगा. मेरे को कार्बन एक है,
एंथैल्पी क्या है, सो इट इज बैलेंस्ड. हाइड्रोजन्स इधर फोर है, सो टू टू आर फोर. ऑक्सीजन इधर कितने होंगे, टू टू प्लस टू फोर, सो टू टू आर फोर. सो दिस इज माय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबस्टन ऑफ मीथेन बच्चे, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ. सो बच्चे देखो जेड़ा क्वेश्चन पूछे है उस क्वेश्चन नो पिक करो. आपा नो पूछे है कि मैं 22 ग्राम्स ऑफ CO2 बनानी है ता मीथेन दे कितने मोल्स चाहिए है. सो इनडायरेक्टली मैं कह सकता है कि अगर मैं इसका एक मोल यानी कि 44 ग्राम्स CO2 बनानी है ता मैंनू मीथेन दे कितने मोल चाहिए है, 1 मोल. क्लियर है ना बच्चे, मेरे को मीथेन दे एक मोल ते ऑक्सीजन दे दो मोल्स मिलके एक CO2 दा मोल ते दो मोल्स वाटर दे दे रहे ने, बट मेनू मीथेन पूछी है मोल्स च ते कार्बन डाइऑक्साइड पूछी है ग्राम्स च. सो मैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन लिख लिया इसदे एक मोल तो एक मोल बन रहे है यानी कि इसदे एक मोल तो 44 ग्राम्स बन रहे है. सो नाउ आई राइट कि 44 ग्राम्स ऑफ CO2 नीड 1 मोल ऑफ मीथेन, ठीक है. तो आपां नूं कितनी बना लूं, क्या होना है 22 ग्राम्स ऑफ CO2. सो उस दे लिए कितने की जरूरत होएगी, 1 अपॉन 44 इनटू 22, सो कट के थे हाफ आ जाएगा यानी कि 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन. सो अगर 44 ग्राम्स लिए मैंने 1 मोल की जरूरत है तो 22 ग्राम उधर हाफ है तो उधर लिए मैंने हाफ मोल की जरूरत पड़ेगी यानी कि 0.5 मोल्स दी. क्लियर बच्चे. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज एन इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड वेट 1.2 ग्राम्स ऑन ट्रीटमेंट गेव विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इट गेव 2.4 ग्राम्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड एज द प्रेसिपिटेट. कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल. सो बच्चे ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चंस दी जिस च अपन ने परसेंटेज प्योरिटी कढ़नी हुंदी है. सो देखो बच्चे, सो योर एग्जांपल नंबर 105 सेज, चलो पहला तो मैं इस दिल्ली इक्वेशन लिख रहे हैं कि अपने पास NaCl है जिसको मैं ट्रीट कीता है विद AgNO3. सो इट गिव्स AgCl प्लस NaNO3, ठीक है. नाउ ये कह रहे हैं कि अपने को एक सोडियम क्लोराइड का सैंपल सी जिसका मास सी 1.2 ग्राम्स. अच्छा बच्चे एक बार ना इक्वेशन नु मतलब जो है न्यूमेरिकल फिगर्स होती हैं इन्हें याद करने लिए चाहे क्वेश्चन के ऊपर लिख लिया करो, ठीक है ना. जिम्मे कि देखो सोडियम क्लोराइड अपन लगता है 1.2 ग्राम्स, सिल्वर नाइट्रेट के नाल ट्रीट करके अपने को 2.4 ग्राम्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड बन गया, ठीक है. हुण दसो कि जो सोडियम क्लोराइड है उसकी परसेंटेज प्योरिटी कितनी है. सो देखो बच्चे हुण आपां नूं पता है कि जिहड़ा सोडियम क्लोराइड है वह सारा का सारा AgCl च कन्वर्ट हो चुका, ठीक है. यानी कि इसके एक मोल तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इसका एक मोल बन रहा है यानी कि 35.5 प्लस 23 कितना हो गया बच्चे 58.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड तो कितना सिल्वर क्लोराइड बन रहा है. सिल्वर हुंदा बच्चे 108 प्लस 35.5 इज 143.5. सॉरी बच्चे कॉल आ गई सी, ठीक है. सो देखो सिल्वर हुंदा 108, सो ये टोटल हो गया बच्चे 143.5 ग्राम्स, ठीक है. सो
ਹੁਣ 143.5 ਗ੍ਰਾਮਸ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 58.5 ਗ੍ਰਾਮਸ ਸੋ ਦੇਖੋ 143.5 ਗ੍ਰਾਮਸ ਆਫ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੀਡ 58.5 ਗ੍ਰਾਮਸ ਆਫ NaCl ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ 2.4 ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ 2.4 ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਸੋ 2.4 ਗ੍ਰਾਮਸ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੀਡ 58.5 ਅਪੋਨ 143.5 ਇਨਟੂ 2.4 ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ 0.978 ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 0.978 ਗ੍ਰਾਮਸ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਿਆ ਇੰਨਾ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ 2.4 ਗ੍ਰਾਮਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਬਕਿ ਸੈਂਪਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 1.2 ਗ੍ਰਾਮਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਸੀ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੀ ਸੀ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਤੋਂ 2.4 ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਰ 1.2 ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਬਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲ ਪਿਓਰ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਸੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਿਓਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਐਕਚੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਅਪੋਨ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਸੀ ਇੰਟੂ 100 ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੋ 81.5% ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ 81.5% ਪਿਓਰ ਸੀ ਬਾਕੀ 18.5 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਬੱਚੇ ਅਦਰ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਅਦਰ ਦੈਨ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਪ ਸਟੋਇਕੋਮੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਓ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਯੋਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਸਟੋਇਕੋਮੀਟਰੀ ਸੋ ਬੱਚੇ ਨਾਓ ਕਮ ਔਨ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 110 ਸੋ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੇਸ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰੇਟ ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਸ ਟੂ ਗਿਵ KCl ਐਂਡ O2 What is the volume of O2 at NTP liberated by 0.1 mole of KClO3? So, bache hun apan nu mole and volume da relation puchya gaya. Theek hai? Dekho question kiya gaya hai ki KClO3 on heating decomposes to give KCl and O2. Pehla apan equation likhde hain. So, dekho, this is your equation ki apne paas we have KClO3. Apan isnu heat kita and we get KCl. And O2 बचे ठीक है Now we'll balance it. Oxygens बचे इधर even है और sorry इधर odd है उधर even. So we'll put 2 here and 3 here. So oxygens balance हो गए ठीक है Now 2 here. So this is your balanced chemical equation for the breakdown of potassium chlorate into potassium chloride and O2. Now the question is What is the volume of O2 liberated by 0.1 mole of KClO3? So, isne moles puchhe hai aur isne volume puchhi hai. Theek hai? Aapka nu clearly dikh reha hai ki isne 2 moles to aapka nu isne 3 moles mil rahe hai. Te 3 moles di volume kinni hundi hai bache? 3 into, haan ji, 1 mole di volume 22.4 liters. Meri gal samaj aayi ki nahi? 1 ਮੋਲ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 22.4 ਲੀਟਰਸ 3 ਮੋਲਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ 67.2 ਸੋ ਵੀਲ ਗੈਟ 67.2 ਲੀਟਰਸ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ 2 ਮੋਲਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 67.2 ਲੀਟਰਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇਗੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਿਊਮ ਮਿਲੇਗੀ 0.1 ਮੋਲ ਤੋਂ ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਿ 2 ਮੋਲਸ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰੇਟ ਗਿਵ 67.2
टू लीटर्स ऑफ ओ टू एंड अगर मेरे पास 0.1 मोल है तो एक कितनी रहेगा बच्चे 67.2 अपॉन 2 इंटू 0.1। सो मेरे को आंसर आ जाएगा दोनों डिवाइड करके 33.6 into 0.1, so this will be 3.36 liters of O2. Done, bache. So this is the volume of O2 that we will receive. Agar mere kol 0.1 mole hove KClO3 da. Kyunki according to the equation, agar mere kol 2 moles hunde, ta mainu any volume milni si NTP te. 0.1 mole to main calculate kar li, bache. Clear? Now we shall move on to the next example. So, bache, apa next example karte hain and have a look at example number 111. So, example number 111, dekho. So, the example is what volume of air at NTP containing 21% oxygen by volume is required to completely burn 1000 grams of sulfur containing 4% of incombustible matter. So, देखो बच्चे, वो कह रहे कि अपने कोल 1000 ग्राम सल्फर है, जिसमें विच 4% डी कंबस्टन नहीं होएगी, यानी कि 96% बर्न हो जाएगा, 4% बर्न नहीं होएगा। इसको बर्न करने लगी मैनू किन्नी एयर चाहिंदी है जिसदे विच ऑक्सीजन हैगी है 21%। सो पहला मैं ऑक्सीजन कढूंगा फिर एयर कढूंगा, ठीक है। सो देखो बच्चे, हुन पहला मैं इस करदा कि किन्ना सल्फर एक्चुअल दे विच बर्न होएगा, है ना। सो आपा लिखांगे इनकंबस्टिबल मैटर इज इक्वल टू 4% of 1000, यानी क्या गया 40। सो इसने विच 40 grams burn नहीं होएगा बच्चे, इन्ना burn होएगा। सो combustible matter is equal to 1000, उस जो 40 burn नहीं होएगा, यानी कि 960 grams will burn। ये समझ आ गया? अपन total sulfur या टोटल अपन रिएक्टेंट कितना देता है 1000 ग्राम्स, उस दे विच उन्होंने मेंशन करता कि 4% कंबस्ट नहीं होएगा, कितना कंबस्ट होएगा 960 ग्राम्स। डन। सो दिस इज माय फर्स्ट पार्ट। हुन मैं आना है इक्वेशन पे। सो सल्फर विल बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड, क्लियर बच्चे? डन। नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अगर मेरे पास 32 ग्राम्स सल्फर है ता 32 ग्राम्स ही मैनू ऑक्सीजन चाहिंदी है। देखो एदा भी एक मोल है, एदा भी एक मोल, एदा एटॉमिक मास 32, एदा मॉलिक्यूलर मास 32। सो 32 ग्राम सल्फर नु बर्न करने लिए मैनू कितनी ऑक्सीजन चाहिंदी है 32 ग्राम्स, ते टोटल सल्फर मेरे को कितनी है 960 ग्राम्स। सो अमाउंट ऑफ O2 needed is equal to, so अगर 32 grams ले 32 चाहिए थी या तो 960 ले भी अपनो 960 grams चाहिए थी है। done बच्चे। so हुन मैं oxygen कर ली कि मैंने NS gram sulfur नो burn कर ली कितनी oxygen चाहिए थी है, but वाने question की पूछे है what volume of air at NTP containing 21% of oxygen, ठीक है, what volume of air containing 21% oxygen is required to burn। so अपन होन बच्चे air दी volume पूछी गई है आगे, you getting a point, ना कि उसका mass। so पहला मैं इस oxygen नू volume च convert करूंगा, ठीक है। so देखो, so 960 grams of oxygen आ गई मेरे को, ठीक है। now अपन हम बताएं 1 mole of O2 उसके मास कितना होता है 32 grams,
तो उसकी वॉल्यूम कितनी होती है 22.4 लीटर्स। क्लियर, ये तो सबनों क्लियर है ना कि एक मोल दे विच मोलर मास दे बराबर मास होता है तो 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम होती है, यानी कि 32 ग्राम्स दी वॉल्यूम कितनी है 22.4 लीटर्स। तो मैं 960 ग्राम्स दी कैलकुलेट कर लूंगा, सो कितनी आ जाएगी 22.4 अपॉन 32 इनटू 960, सो ये 3000 आ गया। देखो सो ये कट के आ गया 30, सो मैं मल्टीप्लाई कीता सो ये आ गया बच्चे 672 लीटर्स। डन, सो मेरे को कितनी वॉल्यूम आ गई बच्चे ऑक्सीजन दी 672 लीटर्स। आप जरा कैलकुलेशन चेक कर लीजिए बुक चो एक बार। हाँ जी एग्जैक्ट, सो 672 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए है मैंने। हुन मैं फाइंड आउट करनी है बच्चे एयर है ना, सो जी एयर है उहदे विच ऑक्सीजन कितनी है 21%, सो कितनी एयर, सो आप की कहोगे 21% ऑफ जो अपने फाइंड आउट करना है एयर कितना है 672। ठीक है ना, देखो अपने यही कहना ना कि कितनी एयर ली है जिदे विच एयर ऑक्सीजन इतनी होवे, तो एयर का 21% इज ओ2, ओ 21% कितना है 672, सो मैं तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, सो 21/100 इनटू एक्स इज इक्वल टू 672, सो दिस इंप्लाइज जो एक्स है वो कितना आ गया 672 इनटू 100 अपॉन 21, सो इसको सॉल्व करके जो भी आ जाएगा आप देख लेते हैं, सो आंसर कम्स आउट टू बी 3200 लीटर्स बचे। ठीक है, सो दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है ना, सो देखो हुन आपां नूं पुछिया गया सी, एक बार मैं रिवाइज करवाना है, आपां नूं कहा गया कि 1000 ग्राम सल्फर दा सैंपल है जिदे विचों 4% बर्न नहीं हो सकता। ठीक है, आपां ने पहला जिहड़ा बर्न नहीं हो सकता 40 ग्राम्स कढ लिया, जिहड़ा बर्न हो सकता कितना आ गया 960 ग्राम्स। ठीक है, फिर आपां ने उस तों कढ़िया कि 32 ग्राम सल्फर ली बर्न करने ली 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए है, तो 960 ग्राम ली 960 ग्राम चाहिए है। फिर आपने कहा कि 32 ग्राम जो मोलर मास है उसकी वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर्स, तो 960 ग्राम की मैं वॉल्यूम निकाल ली 672 लीटर्स, यानी कि 672 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए है मैं 960 ग्राम सल्फर बर्न करने ली। ठीक है, फिर आपने किन्नी एयर दी वॉल्यूम लई है जिदे विच 672 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन होवे, सो 21% ऑफ एयर इज इक्वल टू एना। ठीक है, सो इथो मैं एयर दी वॉल्यूम फाइंड आउट कर ली 3200 लीटर्स। सो दिस इज योर एग्जांपल नंबर जो मैं सॉल्व कीती है, एग्जांपल नंबर 111 बचे। ठीक है, नाउ कम ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 114। एग्जाम्पल, सो बच्चे द एग्जाम्पल नंबर 114 सेज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3 नीडेड टू सप्लाई सफिशियंट ऑक्सीजन फॉर बर्निंग 112 लीटर्स ऑफ CO गैस एट NTP। हुन देखो बच्चे अपन बेसिकली दो इक्वेशंस कंबाइन करनी आ गई हैं, उन्होंने कहा कि आप किन्ना KClO3 लईए जिस तो आपां नूं एनी क ऑक्सीजन मिल सके जिस दे नाल आपां फर्दर 112 लीटर्स ऑफ CO गैस नूं कंप्लीटली बर्न कर सकीए। सो देखो बच्चे बेसिकली व्हाट दे वांट टू से इज कि मेरे पास CO गैस है जिस नूं मैं बर्न करना है विद ऑक्सीजन टू गेट CO2। फाइन, आप चलो प्रॉपरली ही लिख लेते हैं, आप फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं लिखते। ठीक है, सो आई हैव 112, इट इज इन लीटर्स, सो 112 लीटर्स ऑफ CO। ठीक है, मैं इसको बर्न करना है, इसको बर्न करने लिए मैंने किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन दी। वो ऑक्सीजन मेरे को कितों आऊगी, इस रिएक्शन तो,
डन सो नो क्वेश्चन की कह रहे हैं बच्चे अपन इन द क्वेश्चन दे आर सेइंग कि मैं किन्ना KClO3 लवा कि मैं ओनी ऑक्सीजन मिल सके जिस ऑक्सीजन दे नाल मैं 112 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड नो कंप्लीटली बर्न कर सका बच्चे सो दिस इज माई क्वेश्चन सो बेसिकली दो इक्वेशंस नो कोऑर्डिनेट करता उन्होंने है ना सो पहले मैं फाइंड आउट करूंगा कि मैं कितनी ऑक्सीजन चाहिए है पहला मैं पता लगेगा कि मैं कितनी ऑक्सीजन चाहिए है उस ऑक्सीजन तो मैं फाइंड आउट करूंगा कि मैं कितना KClO3 लूंगा सो देखो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ CO नीड 1 मोल ऑफ O2 इतना पॉइंट क्लियर है अगर मैं 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंप्लीटली बर्न करने हैं तो मैं 1 मोल O2 की जरूरत है यानी कि 2 into 22.4 लीटर्स लगी मैं 1 मोल की जरूरत है इसको मैं लीटर्स से लिखने की जरूरत ही नहीं बच्चे आई कीप इट इन मोल्स सिंपल ठीक है ना क्योंकि आपको O2 बारे तो कुछ पूछा ही नहीं कुछ दिता की होया कार्बन मोनोऑक्साइड और पूछा की क्या है KClO3 सो वी अवॉइड अननेसेसरी कैलकुलेशंस ठीक है सो यानी कि 44.8 लीटर्स कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न कर ले आई नीड 1 मोल ऑफ O2 ठीक है सो 44.8 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड नीड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्लियर 112 ले कितने की जरूरत होएगी 112 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड नीड 1/44.8 इनटू 112 लीटर्स क्लियर एनए ले 1 मोल की जरूरत है तो 112 ले कितनी होएगी सो फॉर दिस आई नीड 112 upon 44.8 liters of O2 sorry moles of O2 ठीक है ना Na moles of O2 I hope this is clear ठीक है done बच्चे ये आ गया अपने को now ठीक है ना so now we shall move on to हम देखो moles निकले हैं अपने को Na liters ले 1 मोल की जरूरत सी 112 लीटर ले कितने मोल्स की जरूरत है 112 अपॉन 44.8 Na moles of O2 मेनु जरूरत है नाउ हुन मैं फाइंड आउट करना है कि Na moles of O2 मैं बनाने ले मेनु कितने KClO3 की जरूरत है सो आई कैन सी 2 मोल्स ऑफ KClO3 तो अपन को कितने मोल्स ऑक्सीजन दे मिल रहे हैं 3 moles clear है कि नहीं आपको 3 moles मिल रहे हैं ना बच्चे ठीक है so हुन मैं की कहूंगा 3 moles of O2 need 2 moles of KClO3 तो मैंने कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत है 112 अपॉन 44.8 सो 112 अपॉन 44.8 मोल्स ऑफ O2 नीड कितना 2/3 इनटू 112 अपॉन 44.8 क्लियर दिस इज बच्चे समझ आया ना ठीक है सो मैं इसको हल्का सा सॉल्व कर लेना इथे थोड़ा सा आप एंड तक सॉल्व नहीं कर दे सो देखो ए 2 नल कट के कितना आ गया 22.4 सो दिस बिकम्स 112 अपॉन 67.2 मोल्स ऑफ KClO3 हुन KClO3 दे मोल्स आपा ने फाइंड आउट कर ले जबकि आपा नु की पूछया है द अमाउंट ऑफ KClO3 ठीक है हुन अमाउंट बच्चे तुसी किवें फाइंड आउट करोगे ठीक है ना आपा नु पूछया गया है हाँ जी अमाउंट ऑफ KClO3 ठीक है सो हम देखो हुन मैं अमाउंट किदा फाइंड आउट करूंगा आपा नु पता होना चाहिए कि KClO3 दे
एक मोल का मास कितना होता है? सो आप लिखांगे वन मोल ऑफ KCLO3 इज इक्वल टू कितना मास है बच्चे 16 3s are 48 48 सो मैं कैलकुलेट करता हूं 48 पोटेशियम कितना है बच्चे 39 क्लोरीन कितना है 35.5 सो आई गेट 9 प्लस 8 17 प्लस 5 22 6 9 12 122.5 सो एक मोल KCLO3 का मास कितना बच्चे 122.5 ग्राम्स तो मेनू कितने मोल्स चाहिए 112/67.2 सो 112/67.2 मोल्स का मास कितना होएगा 112 into 112/67.2 सो बच्चे इसको सॉल्व करके जिन्ने भी ग्राम्स मेरे को आ गया दैट इज माय आंसर आप बुक चो कॉपी कर लेने हैं 204.167 सो 204.16 ग्राम्स सो दिस इज माय आंसर सो समझ आया बच्चे देखो जस्ट लेंथी कैलकुलेशंस है लेंथी क्वेश्चन है बट क्वेश्चन इज इजी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है हुन देखो आपां नूं क्लियरली दिख रहा है बेसिकली वो की कह रहे हैं कि 112 लीटर्स ऑफ CO है इसनूं बर्न करने लिए मैनूं कितना KCLO3 चाहिदा इनडायरेक्टली सो पहला मैं इस चो O2 फाइंड आउट कर लिया मैनूं दिख रहा है 2 मोल्स लई 1 मोल दी जरूरत है यानी कि 44.8 लीटर्स लई 1 मोल तो 112 लीटर्स लई Na मोल्स सो मैनूं Na मोल्स ऑफ O2 दी जरूरत है हुन 2 moles of KCLO3 to 3 moles of O2 ban de hai yani ki 3 moles of O2 I obtain from 2 moles of KCLO3 te mainu inne moles chahiye ne ta inne moles mainu kinne moles of KCLO3 to banange inne moles to now 1 mole KCLO3 da mass is 122.5 inne moles da kinna hoega 204.5 204.17 grams clear So, this is how to solve example number 114 बच्चे, ठीक है ना? सिर्फ lengthy है, not at all tough, ठीक है ना? Step by step solve कर दे जाओ, and you will reach your answer. Now, have a look at question number 115. So, example number 115 बच्चे. So, example number 115 says, what volume of oxygen at NTP is needed to cause the complete combustion of 200 ml of acetylene? Also calculate the volume of CO2 formed. So, easy question hai, theek hai? It says, apan ne 200 ml acetylene nu completely burn karna hai. Dasso kinni volume of oxygen is needed? एंड दसना कि किन्ने वॉल्यूम ऑफ CO2 बनेगी सो पहला आप इक्वेशन लिखांगे सो दिस इज एसिटिलीन C2H2 मैं इस दे विच पाई बच्चे ऑक्सीजन इसने बर्न होके मैंने दिता CO2 प्लस वाटर सो दे आर सेइंग कि वी हैव 200 ml ऑफ एसिटिलीन सो 200 ml of acetylene ते इसको burn करने लिए अपन कितने ml oxygen चाहिए and इस reaction के दौरान कितने ml CO2 बनेगी so पहला according to sorry पहला पर equation को balance करांगे carbons 2 है either we do
हाइड्रोजन दो है उधर भी दो ही है, क्लियर। नाउ ऑक्सीजन, टू टू आर फोर, फोर प्लस वन फाइव, सो इथे लगेगा फाइव बाय टू, आप सारी इक्वेशन नो टू नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इथे आ जाएगा टू, इथे आ जाएगा फाइव, हेयर इट विल बी फोर एंड हेयर इट विल बी टू, क्लियर। सो दिस इज माय इक्वेशन फॉर द कंबस्टन ऑफ एसिटाइलीन बच्चे, क्लियर। नाउ सो अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन कि वी आर गिवन 200 ml ऑफ एसिटाइलीन, दसो इसको कंप्लीटली बर्न करने लिए किन्ने ml O2 चाहिए है एंड किन्ने ml इस रिएक्शन के दौरान CO2 प्रोड्यूस होगी। सो बच्चे पहला अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 2 मोल्स एसिटाइलीन दे दे नीड 5 मोल्स ऑफ O2, क्लियर, एंड 2 मोल्स ऑफ एसिटाइलीन गिव 4 मोल्स ऑफ CO2, क्लियर। नाउ ये तो अपन हम क्लियरली दिख ही रहे हैं कि देखो डबल हो रहे हैं। देखो बच्चे अगर तुसी थोड़ा जा माइंड लगा के चलो तो पेन की भी जरूरत नहीं है, देखो 2 मोल्स तो 4 मोल्स CO2 दे बन रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो डबल हो रहे हैं ना, तो 200 ml तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगी यानी कि 400 ml, सो अपने पास कितनी CO2 बनेगी 400 ml, द रीजन बीइंग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल की वॉल्यूम फिक्स होती है 22.4 लीटर्स, ठीक है। सिमिलरली 2 मोल्स तो 2 मोल्स ले 5 मोल्स चाहिए है यानी कि कितने टाइम्स चाहिए ने 2.5 टाइम्स, टाइम गुना 200 into 2.5 will be 500 ml, यानी कि अपन को ऑक्सीजन की कितनी वॉल्यूम चाहिए है 500 ml, as simple as anything, चलो मैं सॉल्व करवाना है। सो देखो 2 मोल्स की वॉल्यूम कितनी है, सो 2 into 22.4 लीटर्स ऑफ एसिटाइलीन, इट नीड्स 5 मोल्स की वॉल्यूम कितनी है 22.4 लीटर्स ऑफ O2, द 200 ml ले कितनी चाहिए होगी बच्चे 5/2 into 200, सो दिस इंप्लाइज 500 ml ऑफ O2, सो क्लियर, ठीक है कि नहीं, 22.4 दोनों तरफ तो कट जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप इधर लिखेंगे CO2 कैलकुलेट करने लिए कि 2 into 22.4 liters of acetylene it forms 4 into 22.4 liters of CO2, तक 200 ml तो कितनी बनेगी, 200 ml will form 4/2 into 200, that is equal to 400 ml of CO2, so clear है बच्चे, so अपने को 200 ml ले 500 ml of O2 चाहिए दिया है, तो इस तो कितनी CO2 मिलेगी 400 ml, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टोइकोमेट्री, सो स्टोइकोमेट्री का बच्चे सिर्फ एक बेसिक रूल है कि अपन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पहला चाहिए है फिर उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। सो पहला ये क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं, फिर जिहड़े क्वेश्चंस मैं तुहानू एज अ होमवर्क सॉल्व करने लई दित्ते है ओ सॉल्व करने हैं, एंड आफ्टर दैट यू विल बी वेरी थरो विद द टॉपिक ऑफ स्टोइकोमेट्री। अपना इस चैप्टर दा सिर्फ एक टॉपिक बच गया एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट, वो भी आपा कल विद न्यूमेरिकल सॉल्व करके फिनिश कर देंगे एंड देन दिस चैप्टर विल वाइंड अप। इस बचे हुए पोर्शन दा टेस्ट स्टोइकोमेट्री प्लस जो कल आपने करना है इस द टेस्ट विल बी ऑन, चलो लेट इट बी मंडे क्योंकि संडे है तुसी प्रिपरेशन भी कर सकते हो, ठीक है। सो कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर टेस्ट ऑन मंडे एंड सैटरडे नू, जो मतलब परसों, सॉरी हाँ जी परसों, अपा अपना नेक्स्ट चैप्टर एक बार स्टार्ट कर लांगे बच्चे, ठीक है ना। सो टिल देन कीप स्टडिंग कीप रिवाइजिंग, ठीक है, थैंक्स अ लॉट बच्चे।